खबर छिंदवाड़ा जिले के चौरई से, जहां ग्राम हिवरखेड़ी चौकी अंतर्गत धनौरा बहरी बरिहारी केवलारी संभव डूब क्षेत्र प्रभावित लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम पुलिस चौकी में ज्ञापन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे एवं धनौरा बारे में लगातार हो रहे हादसों को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराया। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी कहा कि यदि हमारी मांगे शासन प्रशासन जल्द से जल्द पूरा नहीं करता है तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि हमारी तीनों ओर पानी और एक तरफ अदानी है, जिसके कारण हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और हादसों का भय लगातार बना हुआ है। इस दौरान धनौरा सरपंच डॉक्टर परशुराम वर्मा, केवलारी सरपंच राजकुमार पटेल, हेवरखेड़ी सरपंच पति राम किशोर ध्रुवे, मनोज पटेल, हरि प्रसाद वर्मा, राजू एवं समस्त ग्रामीणजन उपस्थित रहे। MP24 न्यूज के लिए मनोज विश्वकर्मा की विशेष रिपोर्ट। आज चौरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धनोरा और एवं बाहरे बरियारी के लोग अपनी समस्याओं को लेकर हिवरखेड़ी पुलिस चौकी विज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें हमारे माननीय श्री धनोरा सरपंच एवं केवलारी से राजकुमार सरपंच सभी लोग यहां उपस्थित हुए हैं। आइए हम इस विषय में एवं हिवरखेड़ी सरपंच, आइए हम डॉक्टर परशुराम वर्मा जी जो कि धनौरा सरपंच हैं उनसे बात करते हैं। किस समस्या को लेकर आप आज यहाँ आए हो? आज डूब क्षेत्र के पुनर्वास बारे धनौरा एवं जो अन्य पुनर्वास हुए हैं, संपूर्ण डूब क्षेत्र के 31 गांव के डूब क्षेत्र के लोग यहाँ आए हैं। बारे धनौरा केवलारी हिवरखेड़ी द्योरी कलकोटी से लेकर सभी डूब क्षेत्र के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनकी डूब क्षेत्र में पुनर्वास तो बसाहट करा दिया गया है, लेकिन मूलभूत सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है यहाँ। और जो शासन प्रशासन ने बसाहट करवाई है, बसाहट करवाने के बाद में बिल्कुल सुध नहीं ले रही, वहाँ जहरीले सर्प निकल रहे हैं, सर्प डस्ट से मृत्यु हो रही है। पानी में डूब के पूर्व में भी गाड़ी की गाड़ी डूब के लोग खत्म हुए थे, अभी भी हमारे 4 मासूम की बारह बरियारी में मृत्यु हुई है। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएँ वहाँ हो रही है, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। हम शासन प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि हमें एक सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए या तो मूलभूत सुविधा हमें उपलब्ध कराई जाए वहाँ। ऐसी मांग को लेकर के हम आज चौकी प्रभारी मुख्यमंत्री के नाम पे और महामहिम राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उनका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। और अगर हमारी नहीं सुनी जाती है तो हम 21 तारीख को, आने वाली जो 21 तारीख को, उसमें पूरे संपूर्ण 31 ग्राम की महापंचायत बुलाने जा रहे हैं और महापंचायत में जो निर्णय होगा उससे हमारा आंदोलन भी तेज होगा और उस आंदोलन में जो भी जनधन की क्षति होगी वो शासन प्रशासन की जवाबदारी होगी। जैसे कि आज आपने देखा सारी समस्याएं इन्होंने हमें अवगत कराई,